मेरा नाम कादिर है और मैं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रावलपिंडी में बतौर वेपन इंस्ट्रक्टर हूँ। आज आपका जो टॉपिक है वो है एनएसपी के बारे में, कि एनएसपी वेपन की एनएसपी कैसे की जाती है। मेरे पास वेपन है एसएमजी, शॉर्ट मशीन का या सब मशीन का इसको कहते हैं। तो आपने सबसे पहले वेपन को शिकारी हालत में कैरी करना है, ये श्योर करना है कि आपकी जो उंगली है वो ट्राइगर गार्ड के बाहर होनी चाहिए। उसके बाद वेपन को मुँह के सामने लेके आएंगे, टार्प करें, मैगजीन उतारें। मैगजीन उतारने के बाद सेफ्टी को सिंगल पे लेके जाएं, अनसेफ करें मतलब सिंगल पे लेके जाएं। और काकिंग हैंडल या काकिंग लीवर जिसको बोलते हैं, और चाल वाले पुर्जे भी बोलते हैं, इसको दो से तीन मरतबा आपने खींचना है और इसके चैमर चेक कर लेना है। चैमर चेक करने के बाद सेफ साइड पे, जो आपकी सेफ साइड है वहाँ पे शोर करें कि कोई बिल्डिंग ना हो या कोई तार, बिजली की तार या कुछ भी ना हो, तो सेफ साइड पे इसको आपने फायर करना है। फायर करने के बाद इसकी सेफ्टी जो है वो आपने सेव कर लेनी है। सेफ्टी जब सेव हो जाएगी तो बाद में मैगजीन लगा देंगे। मैगजीन लगाने के बाद जो भी आपकी पोजीशन है, आप लो रेडी भी खड़े हैं तो लो रेडी भी ले आएँ, अगर आपने स्लिंग लगाई हुई है ठीक है तो लो रेडी भी आप खड़े होकर आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक यह था कि आपकी एनएसपी रैफल की एनएसपी कैसे की जाती है। तो ये आपको तरीके पता चल गया है। इसके बारे में अगर किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।